तो कौन कहता है कि इग्नू भाई हर काम में लेट है, कौन कहता है कि इग्नू टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं लेता। हाँ ऐसे लोग जितने भी सारे थे, तो भाई देख लो अभी स्क्रीन पे तुमको देख रहा है कि 16 जुलाई 2024 को ही इन लोगों ने दिसंबर 2024 के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है उसको रिलीज कर दिया। कैन यू इमेजिन, ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग है। हालांकि पिछले कुछ सेशन से ये ऐसा हो रहा है कि इग्नू काफी जल्दी ही जो है दिसंबर वाले एग्जामिनेशंस जो है, मतलब जो भी एग्जामिनेशंस अपकमिंग है उसके डेट शीट वो लोग पहले ही रिलीज कर देते हैं। पर याद रखना ये सिर्फ टेंटेटिव है। डेट शीट के स्टार्टिंग में ही देखो, ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है ऐसे डेट्स जो कि कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव देखा जा सकता है इन फ्यूचर, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसा होने के चांसेस मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम होते हैं। अगर डेट चेंज हुए भी तो बहुत ही कम पेपर्स के चेंज होंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस डेट शीट को हम लोग रिव्यू करेंगे और आपको पूरी बात बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना जो है मार्कशीट, आप सॉरी किस तरीके से आप अपना डेट चेक कर सकते हैं कि किस किस दिन आपका एग्जामिनेशन है। काफी सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। साथ ही साथ मैं अपने वेबसाइट पे और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पे भी मैं आपको बता दूंगा, और हमारे जो ग्रुप है वहां पे भी मैं शेयर कर दूंगा जो आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के जो डेट शीट होंगे, चाहे आप एम कॉम से हो, बी कॉम से हो, यू नो एमबीए से हो, या आप किसी भी कोर्स से हो, जो भी टेंटेटिव डेट शीट्स होंगी, जो भी डेट्स होंगी आपकी एग्जामिनेशन की, उनको मैं आपके ग्रुप में, जो हमारा जो पर्टिकुलर ग्रुप है पेड है, हालांकि आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है, आपको सारे के सारे असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हो, एमबीए के अगर आप हो, तो आप मुझे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सारी की सारी ये डेट शीट मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। हालांकि मैं ऑनलाइन भी डाल दूंगा, तो वो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें, यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह है कि ये जो डेट है ये सिर्फ टेंटेटिव है। पोर्टल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर विल बी ओपन इन द ड्यू कोर्स। आप मान के रखो कि सितंबर के महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ जनरल कंडीशन फॉर फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, ये बहुत ही बेसिक सा है, इसको नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पे ध्यान दो, द क्लैश ऑफ एग्जाम डेट शैल विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। किस केस में किसी भी तरह का डेट चेंज नहीं माना जाएगा, है ना, किसी भी तरह का क्लैश ऑफ एग्जाम अगर होता है तो वहां पे कोई भी डेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो डेट्स हैं भाई वही है ना। कब होगा, द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज। अगर कोई पुराना कोर्स है, तो उसमें अगर आपका एग्जामिनेशन, तो उसके लिए कोई डेट चेंज नहीं होगा। अगर कोई डेट चेंज होता है तो सिर्फ ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स होंगे जो कि पहली बार दिए जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के केस में, क्लैश के केस में जो है डेट चेंज देखा जा सकता है। अदरवाइज जो डेट्स हैं वो वही होंगी। राइट तो यहाँ पे भी क्लियरली ये बात बोल दी गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, सारी की सारी डेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कोर्स वाइज आप कैसे सर्च करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पे कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई हैं। राइट, ये सारी कोर्सेज जो है ये ओएमआर पैटर्न में होंगी या फिर एमसीक्यू पैटर्न में होंगी, आप बोल सकते हो। राइट, तो ये सारे कोर्सेज का जो एग्जामिनेशन है वो ओएमआर पैटर्न में होता है। एंड यस, वी प्रोवाइड नोट्स एज वेल, सारे के सारे सब्जेक्ट, वेदर यू आर फ्रॉम बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और वट एवर कोर्सेज फ्रॉम इग्नू यू आर डूइंग, यू कैन गेट ऑल द नोट्स फ्रॉम अस। चार्जेबल होंगी बट बहुत ऑथेंटिक होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाई गई है। सो यू विल बी लाइक वेरी बेनिफिटेड फ्रॉम दोज नोट्स इफ यू विल बाय इट। इट विल बी चार्जेबल लाइक 200 पर पेपर फॉर अदर कोर्सेज। एमकॉम की थोड़ी ज्यादा प्राइसेस हैं, 300 पर पेपर है, एमबीए के भी 300 पर पेपर है, तो आप उनको बाय कर सकते हो। एंड इट विल बी लाइक क्या बोलेंगे इसको, गोल्ड डील होगी आपके लिए। इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको नीरज पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मिनिमल क्वेश्चंस होंगे, आप सिर्फ उनको करके जाओ, एग्जामिनेशन में गारंटीड है कि 80% क्वेश्चंस आपके आराम से कॉमन आ जाएंगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 100% क्वेश्चंस ही कॉमन आ जाए। ठीक है, तो हमारे नोट्स इतने रिलायबल है, है ना, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हमारा फीडबैक है उस तरह का। ठीक है, सो वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट ग्रुप्स में इसको बांट दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजों को रीड नहीं कर रहा, ये वो सारे कोर्सेज है जो कि इग्नू करवाती है, बहुत सारे कोर्स हैं। तो देखो यहाँ पे दो शिफ्ट में आपको पता है कि एग्जाम होता है, मॉर्निंग का जो एग्जाम है वो 10 से 1 के बीच में होता है, इवनिंग 2 से 5 के बीच में होता है। एंड 2 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा 10 जनवरी तक, है ना। सबके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम हो सकता है कि बाद में स्टार्ट हो और पहले खत्म हो जाए। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इग्नू के जो एग्जाम्स है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे
और 10 जनवरी तक चलेंगे, दो सेशन में एग्जाम होंगे, 10 से 1 और 2 से 5, है ना। तो मैं एमकॉम की बात कर लेता हूँ, क्या करना है, सिंपली इस पीडीएफ पे जाना है और कंट्रोल प्लस एफ आपको टाइप करना है। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एफ टाइप करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही आप टाइप करेंगे, एक सर्च बार खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना कोर्स कोड डालना है, जैसे कि एमकॉम है, राइट, एमकॉम के जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो एमसीओ है, तो एमसीओ आप जैसे ही डालोगे, और इसको नीचे आना, देखो एमसीओ 24 का आपको जो है डेट दिख गया, 2 से 5 के बीच होगा, 9 तारीख को होगा, है ना, 9-12 को होगा, होने वाला। उसके बाद आ जाओ एमसीओ 1 आपको शो कर रहा है, 17-12 को होने वाला। उसके बाद आ जाओ एमसीओ 21 19th ऑफ दिसंबर को होने वाला है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको यू नो सब्जेक्ट आपको यहां ढूंढना है, आप यहां से ढूंढ सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी कोर्स में हो, बस अपना कोर्स कोड यहां पे टाइप करो, पूरा भी नहीं टाइप करना है, बस कुछ लेटर्स टाइप करो, आपको वो सारी चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। एंड जहां तक बात रही इंडिविजुअल यू नो डेट शीट की, तो वो मैं जल्दी ही अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। 100 rupees पर पेपर है, लाइफ टाइम एक्सेस है, आपको सारे के सारे असाइनमेंट्स आपके चारों सेमेस्टर के या तीनों फर्स्ट ईयर के या आप किसी भी सेमेस्टर पर, अगर आपका 4 ईयर का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, तो उसके सारे के सारे असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिर्फ आपको 100 rupees पे करने हैं फॉर द यू नो ग्रुप ज्वाइनिंग फीस, एंड उसके बाद आपको आपकी सारी चीजें जो है फ्री हो जाएंगी। नोट सिर्फ चार्जेबल होगा, नोट्स डेफिनेटली चार्जेबल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया एमकॉम और एमबीए के नोट्स जो है वो 300 पर पेपर पे चार्जेबल है, एंड जो इग्नू के अदर कोर्सेज हैं वो 200 पर पेपर पे चार्जेबल है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एज वेल, बिकॉज वी आर गोना अपलोड सो मेनी वीडियोज इवेंचुअली, एंड इट विल हेल्प यू टू स्टडी मोर बेटर। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।